हाय फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? आपका अपना चैनल साहिल एजुकेशन पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम लोग बात कर रहे हैं बिहार यूनिवर्सिटी BA पार्ट वन फिलॉसफी ऑनर्स पेपर फर्स्ट। दोस्तों, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन दबा दें जिससे कि जो भी वीडियो हम अपलोड करें सबसे पहले आप तक पहुँच सके। चलिए दोस्तों, हम लोग शुरू करें क्वेश्चन। यह क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। पहला क्वेश्चन होगा, बुध के अनुसार दुख के क्या कारण हैं? बुध के अनुसार दुख के क्या कारण है विवेचना करें। बुध के अनुसार दुख के क्या कारण है विवेचना करें। अथवा बुध के अनुसार निर्वाण के स्वरूप की व्याख्या कीजिए। बुध के अनुसार निर्वाण के स्वरूप की व्याख्या कीजिए। दूसरा क्वेश्चन है, भारतीय दर्शन की प्रमुख विशेषताओं की विवेचना करें। भारतीय दर्शन की प्रमुख विशेषताओं की विवेचना कीजिए। तीसरा क्वेश्चन है, जैन के अनुसार बंधन और मोक्ष, जैन के अनुसार बंधन और मोक्ष अथवा द्रव्य अथवा स्यादवाद सिद्धांत की व्याख्या एवं परीक्षा कीजिए। जैन के अनुसार बंधन और मोक्ष अथवा द्रव्य अथवा स्यादवाद सिद्धांत की व्याख्या एवं परीक्षण कीजिए। चौथा क्वेश्चन है, सांख्य के अनुसार सत्य कार्यवाद सिद्धांत, सांख्य के अनुसार सत्य कार्यवाद सिद्धांत अथवा विकासवाद अथवा कारणता सिद्धांत की समीक्षात्मक व्याख्या कीजिए। सांख्य के अनुसार सत्य कार्यवाद सिद्धांत अथवा विकासवाद अथवा कारणता सिद्धांत की समीक्षात्मक व्याख्या कीजिए। पांचवा क्वेश्चन है, चावार्क के सुखवाद, चावार्क के सुखवाद अथवा विकासवाद अथवा ज्ञान शास्त्रीय विचार अथवा पुरुष के अस्तित्व की व्याख्या एवं परीक्षा कीजिए। चावार्क के सुखवाद अथवा विकासवाद अथवा ज्ञान शास्त्रीय विचार अथवा पुरुष के अस्तित्व की व्याख्या एवं परीक्षा कीजिए। छठा क्वेश्चन है, रामानुज के ईश्वर विचार अथवा रामानुज शंकर के मायावाद की विवेचना करें। रामानुज के ईश्वर विचार अथवा रामानुज शंकर के मायावाद की विवेचना करें। सातवां क्वेश्चन है, जगत के स्वरूप विषयक शंकर के मत का स्पष्ट विवरण दीजिए। जगत के स्वरूप विषयक शंकर के मत का स्पष्ट विवरण दीजिए। आठवां क्वेश्चन है, योग के यम एवं नियम अवधारणाओं की स्पष्ट व्याख्या करें। योग के यम एवं नियम अवधारणाओं की स्पष्ट व्याख्या करें। नौ नंबर का क्वेश्चन है, वैशेषिक के गुणों और कर्म पदार्थ अथवा वैशेषिक के द्रव्य पदार्थ की व्याख्या करें। वैशेषिक के गुणों और कर्म पदार्थ अथवा वैशेषिक के द्रव्य पदार्थ की व्याख्या करें। दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसा लगा? वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन दबा दें जिससे कि जो भी वीडियो हम अपलोड करें सबसे पहले आप तक पहुंच सके। अब हम लोग अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक ले जय हिंद, जय भारत।